अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आप लोगों के चैनल्स में बहुत सारी गलतियां होती हैं और आप लोग बार बार एक रिक्वेस्ट करते हैं कि सर चैनल रिव्यू कर दें, चैनल रिव्यू कर दें। बेशक नो डाउट कि आपके चैनल्स में गलतियां होती हैं कभी कभार, लेकिन पॉसिबल नहीं होता कि सबके चैनल्स को रिव्यू किया जाए। तो आज मैं आपके सामने आपके कमेंट्स में से 4 से 5 चैनल निकालूंगा, आप लोगों ने गौर से देखना है। हो सकता है वो चैनल्स आपके भी हो सकते हैं, या अगर आपके नहीं भी होते तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो गलतियां उन्होंने की हुई हैं, हो सकता है वो गलतियां आप लोगों ने भी की हुई हो। तो आराम से इस वीडियो को देखिएगा और जो जो मैं गलतियां आइडेंटिफाई करता जाऊं उस तरीके से आप लोगों ने अपना चैनल जो है वो खुद रिव्यू करना है, ठीक है दोस्तों। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हर संडे वाले दिन आपके 3 से 4 चैनल जो है उनको रिव्यू किया जाए और उनमें से आप लोगों की गलतियां निकाली जाए, ताकि आप लोग अपने चैनल को सही तरीके से मैनेज करके चलें, ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी YouTube के ऊपर ग्रो करें, ठीक हो गए दोस्तों। और उसके बाद इंशाल्लाह आज दूसरे चैनल के ऊपर मैं लाइव स्ट्रीम करूंगा ग्रो अप विद शफीक जाफरी के साथ। तो जो क्वेश्चंस यहाँ रह गए आप लोगों के, इस वीडियो के नीचे भी जो कमेंट्स होंगे, जो बाकी वीडियोस के नीचे कमेंट्स हैं मैंने नोट किए हुए हैं, तो इंशाल्लाह उस लाइव स्ट्रीम के अंदर आपके नाम लेके, चैनल के नाम लेके आप लोगों को इंशाल्लाह मैं आंसर करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अभी जरा लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आप लोगों के चैनल्स ओपन करते हैं और देखते हैं कि आप लोगों ने क्या गलतियां की हुई हैं और उनको कैसे ठीक करना है। तो जाने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं, लाइक दबा दो यार, फिर आप भूल जाते हैं लाइक का बटन, ठीक है चले चलता हूँ। ये मेरी वीडियो है, आप लोगों ने देखी होगी ये वीडियो जिसमें मैंने YouTube की अपडेट के बारे में बताया था। तो यहां से हम ना जरा आपके कमेंट्स निकालते हैं, ठीक है। तो ये इन साहब को निकालते हैं, एक ये इनको निकालते हैं और ये अरसलान जाफरी साहब को निकालते हैं, ठीक है। अब यहां पे आके ना जरा हम इन तीन चैनल्स को एनालाइज करते हैं कि इन तीन चैनल्स में क्या ठीक है क्या गलत है। सबसे पहली जो यहां पे मुझे गलती नजर आ रही है, पहली गलती ये है कि यहां पे इन्होंने अपने कोई सोशल लिंक्स नहीं दिए हुए। यहां पे आप देख रहे हैं ना इन्होंने अपनी फेसबुक अटैच की है, ना आप लोगों ने यहां पे अपना इंस्टाग्राम, ना अपने कोई अगर वेबसाइट है तो कुछ भी अटैच नहीं किया। तो यहां पे अपने सोशल लिंक्स थे, सबसे मेन और इंपॉर्टेंट बात, ठीक हो गया दोस्तों। अच्छा अब यहां पे अगर देखा जाए तो इन्होंने चैनल आर्ट बहुत प्यारा बनाया हुआ है माशाल्लाह से, ठीक है, चैनल आर्ट बहुत अच्छा है। उसके बाद इन्होंने ये टैग्स भी दिए हुए हैं, चैनल टैग्स दिए हुए हैं, बहुत अच्छे हैं, ठीक है जी। अब जरा इनकी वीडियोस में जाते हैं, वीडियोस में ये क्या कर रहे हैं, थंबनेल अच्छा बना रहे हैं, ठीक है थंबनेल बुरा नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा इसके ऊपर मजीद आप फोकस करें ना, ये जो चीज आपने उर्दू में लिखी है ना, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये यूजर को समझनी पड़ती है, मतलब गौर से देखनी पड़ती है, गौर से ना देखनी पड़े जो भी चीज हो वाज़े तौर पे नजर आए। जैसे ये देखें, ये वाला जो आपने बनाया है, खौफ मुश्किलात डर, ये बहुत अच्छा थंबनेल बना हुआ है, ये भी अच्छा है, लेकिन जो अपनी राइटिंग है उसको बिल्कुल क्लियर प्रोमिनेंट बड़ा बोल्ड करके लिखें, ओके हो गया, अच्छा है अच्छा है। ये इन्होंने काफी मेहनत कर रहे हैं ये, चलें जी ठीक हो गया, बहुत अच्छा हो गया। ये देखें जी यहाँ पे ये वाला जो है आप लोगों ने ये थंबनेल जो बनाया हुआ है, बहुत अच्छा थंबनेल बना हुआ है। इसमें देखें फिर वही गलती की हुई है, आपका कुछ नजर नहीं आ रहा, क्लियर नजर नहीं आ रहा। मेरे चैनल पे जाएं जरा थंबनेल देखें किस तरह के बने हुए हैं, आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है। बाकी ठीक है, अच्छा चैनल है। अबाउट में जाते हैं जी, जरा इनके अबाउट में इन्होंने ये देखें अपनी कोई डिटेल नहीं दी हुई, यहाँ पे जरा बड़ी सी करके अपने डिस्क्रिप्शन दें और उसके बाद यहाँ पे अपना बिजनेस ईमेल दें। भाई अगर आपके साथ कोई कॉन्टेक्ट करना चाहता है, कोई आपको स्पॉन्सर्स करना चाहता है तो कैसे करेगा आप लोगों के साथ। यहाँ पे अपने सोशल लिंक्स दें, अपनी वेबसाइट का लिंक दें, अपने ईमेल एड्रेस दें, यहाँ पे सारी चीजें अपनी क्लियर करें। उसके बाद जरा होम पे आते हैं, जरा एक मेन गलती निकालते हैं इनकी। हाँ जी बिल्कुल मेन गलती निकल आई, यहाँ पे इन्होंने कोई फीचर वीडियो ऐड नहीं की हुई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप मेरे चैनल पे जाते हैं, जैसे ही जाते हैं आपको एक वीडियो ऑटोमेटिकली प्ले होने शुरू हो जाती है, ठीक है, तो यूजर का इंटरेस्ट उसमें भी घुस जाता है कि यार ये क्या वीडियो है, ठीक है। तो इन चीजों के ऊपर जरा गौर करें और गौर फिक्र करें, ये बाकी आपका चैनल ठीक है लेकिन जो गलतियां बताई हैं इनके ऊपर फोकस करें, ठीक हो गया। आप जरा दूसरे चैनल पे जाते हैं, फौजिया किचन के ऊपर, ये किसी खातून का चैनल लग रहा है जी। वीडियोस पे जाते हैं, सेम वही गलती, कोई फीचर वीडियो नहीं लगाई हुई, सेम वही गलती, यहाँ पे कोई आपने सोशल लिंक नहीं दिया हुआ, ना फेसबुक अटैच की हुई है, ना आपने इंस्टाग्राम अटैच किया हुआ है यहाँ पे। और उसके बाद जरा जी आते हैं यहाँ पे, यार ये आपने थंबनेल देखे, आप ये रेसिपी बनाने में कितनी मेहनत करते हैं, तो थोड़ी सी थंबनेल बनाने में भी मेहनत कर लें। ये देखिए आपने ये थंबनेल कैसा बनाया हुआ है, कुछ समझ आ रहा है, बहुत गौर करके अगर कोई देखे तो समझ आता है। ये देखें आपने इसके अंदर वो इफेक्ट्स डाले हुए हैं टेक्स्ट के अंदर, कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या लिखा हुआ है,
इतनी अच्छी रेसिपी बनाई है, इतनी मेहनत की है, थंबनेल की बेस के ऊपर आपको व्यूज कम मिलते हैं, ठीक है। ये भी नहीं अच्छा बना हुआ, थंबनेल के ऊपर फोकस करें, थंबनेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये देखें कितना अच्छा थंबनेल बनाया हुआ है, जो भी लिखा हुआ है कितना क्लियर लिखा हुआ नजर आ रहा है जी, के मैं भी पर्दा करूंगी तो कितना क्लियर और वाजे लिखा हुआ आ रहा है, ये बहुत अच्छा थंबनेल है। यहाँ पे आज ये देखें जी, इन्होंने कोरोना वायरस अलर्ट ये न्यूज़ की कोई खबर उठा के लगाई भी है, इसके ऊपर डायरेक्टली कॉपीराइट स्ट्राइक करा जाएगा। आप लोगों को नहीं भी आता तो जब चैनल अंडर रिव्यू जाएगा तो फिर आप पछताएंगे कि ये मैंने क्या कर दिया था। इनके थंबनेल्स नहीं लगे हुए, थंबनेल्स लगाएं, ये अच्छा लगा हुआ है, बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन इसका थंबनेल जो है वो लिखें कि ये बनाया क्या है आपने, ठीक है। बाकी बाकी भी थंबनेल, थंबनेल का मुझे सबसे ज़्यादा इशू नज़र आ रहा है। बाकी वीडियो की लेंथ भी अच्छी है, ठीक है, किसी में छोटी है किसी में बड़ी है, कोई बात नहीं चलेगा। ये देखें ये फिर एंड पे ये इस तरह की ये जो वीडियोस डाली हुई हैं आप लोगों ने, अपने चैनल का थीम खराब ना करें यार, ठीक है। तो इन चीज़ों पे थोड़ा फोकस करें। इनका जरा अबाउट सेक्शन देखते हैं, अबाउट सेक्शन के अंदर इन्होंने क्या किया हुआ जी, यहाँ पे कोई अपना ईमेल नहीं दिया हुआ, कोई अपना फेसबुक अकाउंट नहीं अटैच किया हुआ, कोई इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं अटैच किया हुआ। इन चीज़ों को जरा ध्यान करें, फीचर वीडियो लगाएं और जरा इनको देखते हैं इन्होंने चैनल के टैग्स लगाए हैं कि नहीं लगाए। चैनल का कोई टैग नहीं लगा हुआ, देख लें चैनल टैग्स जो है ये आगे 000 कुछ भी नहीं है। तो मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है कि आप अपने चैनल की बेसिक सेटिंग कैसे करते हैं, वो जाके देखें, मैं आई बटन में भी दे देता हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ, तो जरा ध्यान करें इनके ऊपर यार, ठीक है। अब जरा तीसरा चैनल निकालते हैं जी, सैयद अरसलान जाफरी साहब का, बहुत अच्छा जी, इन्होंने चैनल आर्ट बनाया हुआ है, सीड मोटिवेशन। वेरी गुड वेरी गुड जी, पहली वीडियो नजर आई है जी, चैनल नजर आया जिसके ऊपर इन्होंने फीचर वीडियो भी लगाई हुई है। तो जरा आते हैं इधर होम के ऊपर, ये देखें जी इन्होंने फीचर वीडियो सीड लगाई हुई है, बहुत मोटिवेशन। अच्छा, अपना बहुत जबरदस्त इन्होंने सीड टैग रिफ्यूजेस टू डाई व्हेन यू बरी इट, दैट इज व्हाई। अरसलान जाफरी साहब को जरा देखते हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये देखें थंबनेल नजर आ रही है ना, कि थंबनेल से देख के आपको पता चलता है कि भाईजान इसके अंदर क्या है, आपको समझने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत गौर से इसके अंदर घुसने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, बहुत अच्छे जी। ये देखें ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है आपका थंबनेल, ये भी थंबनेल थोड़ा सा इसको क्लियर करें, बाकी अच्छे हैं। ये थंबनेल बहुत अच्छा है लेकिन इसकी राइटिंग जो है ये एडजस्ट करें थंबनेल के मुताबिक, अच्छा जा रहा है जी, इसको आप लोग थोड़ा सा ना करेक्ट करने की कोशिश करें, बाकी ठीक है। अगर आपकी अपनी वीडियोस हैं तो बाकी बहुत अच्छा है, माशाल्लाह जबरदस्त है। अब अबाउट के सेक्शन में आते हैं, जरा इनको देखते हैं इन्होंने क्या लिखा हुआ है अबाउट में। ये देखें, वेरी गुड जी, ये इन्होंने सब्सक्राइब का भी दिया हुआ है, लिंक्डइन का भी अपना प्रोफाइल दिया हुआ है, ट्विटर का भी दिया हुआ है, इंस्टाग्राम का भी दिया हुआ है, फेसबुक का भी दिया हुआ है। ये हुई ना बात, इस तरीके से आप लोग थोड़ा अच्छा ग्रो करने लगते हैं। प्लेलिस्ट की तरफ चलते हैं जी, इन्होंने कोई प्लेलिस्ट बनाई है, वेरी गुड, ये देखें इन्होंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। तो ये चीजें होती हैं जो आपके चैनल को जल्दी से ऊपर लेके जाती हैं, जिनको आप लोग बिल्कुल इग्नोर करते हैं, इतनी मेहनत करके आप वीडियो बनाते हैं तो, और उसके बाद छोटी सी गफलत की वजह से। चलें एक और चैनल देखते हैं जिसमें कुछ ज्यादा गलतियां हों ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। इदरीस कलेक्शन में जाते हैं जी, जरा इदरीस कलेक्शन को देखते हैं जी कि ये इन्होंने किस तरह की वीडियोस बनाई हुई हैं तो ये देख लें कि ये गलतियां आपके चैनल में भी हो सकती हैं। अच्छा जी, अदरीज कलेक्शन के अंदर पहली बात ये, यहीं पे वही गलती, कोई सोशल मीडिया के अकाउंट्स नहीं लगाए हुए, बहुत बड़ी गलती है यहाँ पे, कोई फीचर वीडियो नहीं लगाई हुई। ओ माय गॉड, ये देखें जी इन्होंने चैनल टैग्स जो हैं वो अखीर करके ही लगाए हुए हैं, इतने ना लगाएं, ठीक है लगाएं, अच्छी बात है, अच्छे लगाए हुए हैं, लेकिन चलें ठीक है, फिर भी चलेगा, मतलब मेहनत तो की है ना यार, सीरियस तो लिया है। यहाँ पे आप अपने सोशल मीडिया के लिंक्स लगाएं, वीडियोस पे जाते हैं जरा, कोई फीचर वीडियो नहीं लगी हुई, यहाँ पे अपनी फीचर वीडियो लगाएं, यहाँ पे जैसे ही आपका चैनल ओपन हो यहाँ पे आपकी फीचर वीडियो चलने लग जाए, ओके हो गया। उसके बाद जरा जी जाते हैं इनकी वीडियोस में, जरा इनके थंबनेल्स देखते हैं, थंबनेल अच्छा है, ये अच्छा है, ये भी अच्छा चले, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल आपने डार्क कर दिया इसको, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसको थोड़ा सा क्लियर करें, ये भी ठीक है। ये देखें इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ कि ये वीडियो रिलेटेड किस चीज़ से है, ठीक हो गया, ठीक है, बाकी अच्छे हैं, अच्छे हैं, ठीक है, बाकी अच्छे हैं, आपके थंबनेल माशाल्लाह अच्छे हैं, लेकिन ये देखें आप, ये कितनी इसके ऊपर आपने मेहनत की होगी, इस वीडियो के ऊपर 1 घंटा 25 मिनट की आपने लाइव स्ट्रीम दी है। यहाँ पे थोड़ा सा एक व्हाइट कलर का डब्बा बना के बीच में ब्लैक कलर में लिख देते कि लाइव स्ट्रीम विद आसिया, लाइव स्ट्रीम कुछ, तो बंदों को थंबनेल देख के पता चल जाता।
बाकी ठीक है जी, माशाल्लाह अच्छा चैनल है इनका भी। अच्छा जी, ज़रा इनके अबाउट सेक्शन में आते हैं। अबाउट सेक्शन के अंदर आपने कोई डिटेल्स अपनी नहीं दी हुई, कोई बिजनेस ईमेल नहीं दिया हुआ आप लोगों ने, कोई आपको कैसे ढूंढेगा, कैसे स्पॉन्सर करेगा, कोई आपको आपने ड्रेस भेजना चाहे, कोई ब्रांड आपके साथ रब्ता करना चाहे, कैसे भेजेगा। तो ये चीज़ें जो हैं इनके ऊपर फोकस करें। ठीक हो गया दोस्तों, मेरा ख्याल है आज के लिए काफ़ी है, बल्कि एक और चैनल निकाल लेते हैं ताकि कोई ऐसी गलतियां जो बहुत ज़्यादा आप लोगों में कॉमन हैं वो हमारे पास गलतियां निकल आएँ। तो टेक्निकल फिक्स में ज़रा जाते हैं जी, टेक्निकल साहब क्या कर रहे हैं। टेक्निकल फिक्स नाम भी अच्छा रखा हुआ है इन्होंने, टेक्निकल फिक्स बहुत अच्छा नाम है यार। चैनल आर्ट बहुत प्यारा, फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम बहुत आला, फीचर वीडियो नहीं लगाई हुई, फीचर वीडियो जल्दी से लगाएं। ठीक है जी, बहुत अच्छे शाबाश। वीडियोज़ में जाते हैं ज़रा जी, इनकी वीडियोज़ बहुत अच्छे शाबाश, बहुत ज़बरदस्त यार। हाँ, अब ये बात याद रखनी है आप लोगों ने कि किसी भी सॉफ्टवेयर को क्रैक करने का नहीं बताना, किसी भी सॉफ्टवेयर को फ्री डाउनलोड करने का नहीं बताना। यूट्यूब की वीडियोस, फेसबुक की, इंस्टाग्राम की, डेली मोशन की वीडियोस को डाउनलोड करने का तरीका बताएंगे तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाएगी। ठीक है, बाकी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा जी, ज़बरदस्त भाईजान। जाते हैं जी ज़रा इनके अबाउट सेक्शन में, अपना बिजनेस ईमेल, इनका बिजनेस ईमेल दिखाएं जी। कोई बिजनेस ईमेल इन्होंने आई थिंक दिया हुआ है, ज़रा चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, ये देखें जी, इन्होंने अपना बिजनेस ईमेल भी दिया हुआ है, अपने सोशल लिंक्स भी दिए हुए हैं, ज़बरदस्त है यार। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी जो चीज़ें होती हैं, फीचर वीडियो अपनी लगाएं भाईजान, फीचर वीडियो लगाएं और अपने चैनल के टैग्स जो हैं ये थोड़े से बढ़ाएं, बाकी इतने भी ठीक हैं लेकिन थोड़े से बढ़ा लेंगे तो अच्छे होंगे। तो दोस्तों हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस तरह की वीडियोस बनाते रहें, आप लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको देखते रहें कि भाईजान आप असल में आप लोग गलती कहाँ कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं इस तरह के हर संडे को आप लोगों के चैनल रिव्यू करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा। ओके दोस्तों, तो इंशाल्लाह लाइव स्ट्रीम होगी दूसरे चैनल के ऊपर, तो दूसरे चैनल को भी देखना ना भूलिएगा रात को। तो मिलते हैं दुआओं के, आपकी दुआओं के साथ, मुझे अपनी दुआओं में स्पेशल याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।